नीदरलैंड आ गई है पाकिस्तान जिंदाबाद जी अमेजिंग गेम अभी मैं एक मीम पढ़ा था कि दिल दिल पाकिस्तान की बजाय आज तो दिल दिल नीदरलैंड्स हो गया नीदरलैंड टीम को जी थैंक यू सो मच और ये उनकी भी बहुत बड़ी विक्ट्री है आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने फर्स्ट उनको विन मिले सो so, हमें बहुत हेल्प हुई है उससे जी थैंक यू नीदरलैंड नीदरलैंड टीम को ये कहेंगे कि पाकिस्तान आए आपको खिलाएंगे आपको सैर कराएंगे आपको मजे करवाएंगे आप आए, आप आए हमारे भाई हैं और आपके लिए वीजा फ्री सब कुछ फ्री है चस आ गई है तो उनका बहुत दिली शुक्रिया अदा करें की उन्होंने हमें ये मौका दिया सेमीफाइनल में जाने के लिए मैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ और पाकिस्तानी टीम को कहती हूँ अल्लाह अलामिया उनको अपनी हिफ्जो मान में रखे और उनको इंशाल्लाह आगे भी कामयाब करें वेल प्लेड गुड लक फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप आई थिंक नीदरलैंड को पहले तो सबसे पहले उनको बड़ी बड़ी मुबारक हो उन्होंने जो हमारे साथ किया है इंशाल्लाह विल रिटर्न द फेवर पर लेकिन हम लोग सोच नहीं सकते पर दे बीन प्लेइंग सम ट सो आई एम नॉट सरप्राइज और आमतौर पर साउथ अफ्रीका चोकर होता है सो so आज फिर वो बेचारे चौक कर गए हैं लेकिन नेदरलैंड well, so okay, वो बिल्कुल खेलते हैं वनडे तो खेलते ही नहीं है वो तो टेस्ट मैच कितना खेलते हैं उनको चाहिए कि थोड़ी तब्दीली करें जी हर तो कर रही है लेकिन आप देखेंगे ये वही लोग हैं जो पिछले एक साल आ, इन्होंने हमें इंडिया से 10 विकेट से विकेट जितवाया था तो अगर इन्होंने वो करवाया है तो आगे भी इंशाल्लाह करवाएंगे हमें अपनी टीम पर पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ये फाइनल में भी सही तरीके से खेलेंगे और अच्छा अच्छा बिल्डअप करेंगे कर तो रही है डेफिनेटली लेकिन शायद उनको इस बाउंस पे खेलने की इतनी आदत नहीं है इस वजह से लेकिन ज्यादा टाइम दिया जाए तो वो शायद हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह आई थिंक आई थिंक नाउ It's the the writing has been on the board. You know they've been they've been playing together for quite some time. They had a pretty good run, but lately they've been really struggling. Ham logon ne Asia Cup mein bhi dekha aur <laughs> World Cup mein bhi struggle kar rahi hai. Ab dekhie agar upper se ab victory bacha lete hai, lakin jo lower order hai. उसको हमेशा उन पर प्रेशर पड़ता है और आज हम लोगों को बल्कि ये डोमिनेटली तरीके से जीतना चाहिए था लेकिन लेकिन फिर अल्लाह ने फजल किया है कि पीछे से आगे लड़कों ने मेहनत करके गेम जिताई है अभी जो उनकी फॉर्म चल रही है लग रहा है फ्रॉम आउटसाइड के यू you नो know, बाबर हैव चेंज टुडे हारिस हैव ओपन नो डाउट कि बोथ आर ग्रेट बैट्समैन बट क्रिकेट इज आल्सो यू नो फॉर्म की नाम है तो आज लग रहा था कि थोड़ा सा अगर हारिस का कैमियो नहीं होता बीच में तो बॉल्स दे बोथ टू कुड हैव हर्ट अस इंशाल्लाह एज अ पाकिस्तानी तो हमें इसी चीज के लिए दुआ करनी चाहिए बाकी अल्लाह ताला की जो रजा होगी वही होगा इंशाल्लाह लेकिन हम लोग कोशिश तो करेंगे दुआएं करेंगे इन नहीं inshallah, inshallah. वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारी 92 की यादें हैं और जब मैच देखने आ रहे थे यही सोच रहे थे कि अगर हम लोग 92 की यादों को दोबारा रिवाइव करें ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन सी जी इन इनशा जरूर हमारी दुआएं उसके साथ और वो जरूर जीते एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल हम लोग बात करते हैं कि टी ट्वेंटी इज ऑल अबाउट इंटेंट देखें कि पिछले मैच में जो साउथ अफ्रीका के साथ था उसने आते ही गेम को एकदम ओपन कर दिया और उससे डग आउट में बैठे हुए लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया और आज भी उसने इस उस तरह एक ओवर हमें चाहिए था उस बंदे ने आके एंड डेफिनेटली इट्स इट्स अ साइन के जो बाकी बैट्समैन है उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें टॉप ऑर्डर में इस तरह का एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए तो जो आगे जाके हमारे लिए और ज्यादा इस तरह की कामयाबियां ले सके अमेजिंग केम इन द लास्ट गेम एंड अंडर प्रेशर तो यू नो जो उसने बड़े दिल से खेला हारिस तो जी हीरो है, सेल्फलेस uh, गेम खेलने की जो है ना तोफी दे और उसको जो है ना इनशा पाकिस्तान के लिए और जो है ना ब्राइट वो हमारे फ्यूचर हो हमारे लिए उसने उसकी है। उसकी अच्छी है तो इन हम जीतेंगे बोले है खेलने में बहुत अच्छा है और वो बहुत एक्टिव है और वो हम सब की टीम में सबसे अव्वल अच्छा आने वाला बंदा है बन मैंने अभी तक सबसे बेस्ट डेब्यू देखा है वो मोहम्मद हारिस का ही देखा है बहुत अच्छा फील हो रहा है मतलब उसकी अभी भी 100 परसेंट तो फॉर्म पे नहीं आया लेकिन उसके बावजूद वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो होपफुली जो बाकाया मैचेस है उसमें इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा माय बॉय ही ही इज इज बैक बैक आई नो वाज कमिंग फ्रॉम हिज इंजरी पर लेकिन जिस तरीके से उस बंदे ने आज प्रूव करके दिखाया है कि ही इज नंबर वन बॉलर इंजरी के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है बंदा रस्टी होता है पर लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा बड़ी गेम में परफॉर्म करता है और आज उसने करके दिखाया बहुत अच्छा है उनकी बॉलिंग और बैटिंग जबरदस्त है

और उसने बॉलिंग आज भी बहुत अच्छी की है तो इज इन गुड फॉर्म इन शादाब खान यू नो इज वेरी कंसिस्टेंट वेरी कंसिस्टेंट कि उसने बैटिंग के साथ

शादाब खान वाइस कैप्टन है और ये उनकी जो है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मैंने उनके बारे में अच्छी चीज़ ये देखी है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्टिव हैं बाकी लोगों के बारे में अगर वो खुद एक मैन ऑफ द मैच भी होते हैं या प्लेयर ऑफ द मैच भी होते हैं दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रीशिएट करते हैं तो माशा टीम हमारी वहीं यूनिटी नजर आती है यंग बच्चे हैं यंग लड़के हैं लेकिन सब जो है ना माशाला से बहुत अच्छे हैं